तीसरा चैप्टर लव ग्रह देखेंगे। लव ग्रह लाग हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल एक कॉमन। नेचुरल में जो बेस ई होगा वो आपका नेचुरल हो जाएगा, जिसको हम एलेन बोलते हैं। कॉमन में हमारा लॉग बेस 10 हो जाएगा। ये जनरली आपका अंकगणित में यूज होता है, ये आपका समाकलन अवकलन में यूज होता है। रिलेशन बिटवीन एलेन एंड लॉग बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर हम बेस ई लें और एक्स पे चेक करें तो ये 2.303 टाइम्स हो जाएगा, जो नॉर्मल अंकगणित का जो लॉग होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं लॉग 1 की वैल्यू बेस 10 पे 0 होती है, ऐसी ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अगर हम लॉग 100 की वैल्यू बेस 10 पे निकालें तो 10^2 हो जाएगा, तो ये 2 बगल में आ जाएगा, बेस बेस इक्वल 1 होता तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे आप करते जाइए, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी प्रकार हम ग्राफ देखेंगे, लॉग 10 x का ग्राफ सिंपल, ये आपका लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ग्राफ इस प्रकार जाएगा। तो हम देखेंगे ऐसे ln का ग्राफ है, तो ये ग्राफ जो है 1 के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू इसकी थी, जो नॉर्मल ग्राफ है उससे 2.303 ज़्यादा थी, तो इसका ग्राफ इस प्रकार बन जाएगा। और लॉग बेस 10 पे 2 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में जनरली इसका यूज होगा, 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू इसी प्रकार 4771 हो जाएगी, लॉग 4 का 2 टाइम्स यही हो जाएगी। ठीक, अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे अगर हम आपको दे दें 327 = x है, ठीक, अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो सिंपली आप क्या करिए, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करिए। आप ये जो है 3 है, इसका बेस उठाइए और x को इसके ऊपर लाइए, 27 को उधर फेंक दीजिए। अगर 27 उधर चला गया तो ये 3^3 हो जाएगा। अब आप कंपेरिजन कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। फिर हम देखते हैं जो इससे क्वेश्चन आएगा लॉग की प्रॉपर्टी के आधार पे, लॉग की प्रॉपर्टी पे हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूव दैट आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लॉग ABC है। ठीक, 1/1 लॉग BABC है प्लस 1/ लॉग CABC इक्वल टू 1, आपको प्रूव करना है। तो लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ABC जो आपका है, अगर हम इसको लिख दें लॉग ABC ए हो जाएगा, अगर हम 1/ मिलेंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये आपका लॉग लॉग आपका अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ABC ए हो जाएगा प्लस लॉग ABC बी हो जाएगा, फिर लॉग ABC C हो जाएगा। हम जानते हैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है, प्लस जो है मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो सबका बेस समान है, तो ये A × B × C हो जाएगा। तो लॉग ABC और ABC ये सेम है तो 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड। आप तो लॉग अगर हम बेस 5 1/25 के हमको अगर वैल्यू निकालना है तो इसको हम कई मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा ये है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, हम देखते हैं ये 1/25 को हम देखते हैं जो भाग है इसको हम माइनस में कर देंगे, दोनों का बेस सेम रहेगा, 1 हो जाएगा, फिर लॉग आपका बेस 5 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 पे बेस 5 = 0 हो जाएगा और लॉग आपका 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बगल में आ जाएगा, तो लॉग फाइव ये आपका 5, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये आपका -2 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, एग्जांपल इस पर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग एक्स -3 कर दें प्लस लॉग एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन, एक्स प्लस 3 = log 27 है। ठीक, इसका बेस आपका 10 ही होगा, अगर नहीं दिया तो आप 10 का यूज करिए। ठीक, हम देखते हैं प्लस किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, ये आपका x-3 × x+3, अगर हम कंपेरिजन करें तो ये 27 हो जाएगा, ये आपका x²-9 = 27 हो जाएगा, x² = 36, तो x = ±6 आ जाएगा। तो आपको -6 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि लॉगरिथमिक में एक प्रॉपर्टी है, अगर बेस 10 है, यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो -6 छोटा हो जाएगा, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लॉग का यूज करिए,
प्लस का मल्टीप्लिकेशन करिए, भाग का माइनस में ले जाइए और पावर वाले में वो बगल में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका लघुगणक की प्रैक्टिस हम टेलीग्राम चैनल पे कराएंगे।